बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो स्टार्ट दिस न्यू बुक बिगनिंग फ्रॉम सो दिस तो अल लेसन इन दिस लेसन वी लर्न। ये ग्रामर की बुक अलग है और ये अलग है ना रेगुलर बुक। कोई दूसरी लगत अरबी है, इसकी की बुक अलग थी ग्रामर के लिए और हाँ, वैसे किताब अलग थी। अच्छा अच्छा ठीक है, उसी का तीसरा वॉल्यूम है, दूसरी लगत अरबी का वॉल्यूम 3 है, ये आखिरी वॉल्यूम है इसका। इन दिस लेसन वी लर्न द डिक्लेंशन ऑफ नाउंस एंड द मूव्स ऑफ वर्ड्स। So we have already declension of nouns. We have already seen in parts 1 and 2 that most Arabic nouns are declinable. That is, they indicate their function in the sentence by their endings. These endings are three. मैं रुक जाते हैं, ठीक है? अच्छा, declinable पता है इसको अरबी में हम क्या कहते हैं? Declinable को कहते हैं मोरब, ठीक हो गया? मोरब। अच्छा, मोरब किसे कहते हैं? मोरब वो लफ्ज जिसकी आखिरी एराब, आखिरी हरकत लफ्ज के हिसाब से, जुमले के हिसाब से चेंज हो जाए। जैसे अल किताबु, किसी जुमले में अल किताबु होता है, किसी जुमले में अल किताबी होता है, किसी जुमले में अल किताबा होता है, ठीक है? और किसी जुमले में किताबन होता है, किसी में किताबिन, सॉरी किताबिन, और किसी में किताबुन होता है। तो अब ये देखें, इस लफ्ज़ का एक लफ्ज़ है, इसी की ज़्यादा इराबी हालत है, तो ये ऐसा लफ्ज़ को हम कहते हैं मोरब, जो जुमले के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है, और जो चेंज नहीं होता उसको हम कहते हैं मबनी, ठीक है? मबनी। तो ये दो अरबी के जितने भी अल्फाज हैं वो इन दो कैटेगरीज में आते हैं, या तो मबनी या मोरब। मेजॉरिटी लफ्ज मोरब में, थोड़े से लफ्ज मबनी। तो यहाँ पर अरबी चीज़ नहीं बताया आपको कि आपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ये चीज़ देखी थी कि अरबी के ज़्यादातर जो नाउन्स हैं, कलिमात हैं, वो हैं मोरब हैं, ठीक हो गया? ओके, अब आगे पढ़ें ज़रा। सो मोस्ट आर मोरब, दैट इज इंडिकेट देयर फंक्शन इन द सेंटेंस बाय देयर एंडिंग्स। These endings are three, which mention they are dhamma, which indicates a nominative case, rafa, the noun with this ending is called marfoon. So then you have the fatha, which is the accusative case, a noun which ends, so it's nasab, so a noun which ends with this is called mansub. And then you have kasra, which indicates the genitive case, which is jar, so a noun with this ending is called majroor. So you have dhamma, rafa, which is the nominative case. Okay. So kitaban, kitabun is dhamma, so that is the nominative case, marfu. Then fatha is. ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या है? जो nominative की अरबी अगर इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, rafa. Marfu. ये लफ्ज marfu है, हालत rafa है, ठीक हो गया? अगला जो है फतह किताबन, जो है मंसूब है, और जो है किताब लफ्ज मंसूब है, हालत नसब है। इसकी हालत क्या है? हालत है जर, स्टेट। इसकी जो स्टेट है वो जर है, और लफ्ज जो है मजरूर है। ओके, अब अल किताबा, इसकी हालत क्या होगी? हालत जो है होगी नसब।
और जगह अच्छा ये लफ्ज हो गया मंसूब। मजूब, ठीक है, ये प्रैक्टिस ही आएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो अल किताबु, इसकी हालत क्या है? किताब और रफा लफ्ज़ क्या है? है और मरफू मरफू। अल किताबी की हालत क्या है? जर है और जर मजरूर है। ठीक हो गया, सामने हालत। अच्छा, वो आपने मुझे सेंड किया था जो सर्वे, अच्छा था उसके बगैर मैं आखिर में चलो बात कर लेंगे अगर याद नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हेयर इज एन एग्जांपल। Here is an example. Dakhala al mudarrisu. So the teacher entered. So here al mudarrisu is marfu because it is the fa'il, the ठीक है, और फाइल हमेशा मरफू होता है, हमने ये सीखा था पहले। आगे Sa'altul Mudarrisa. I asked the teacher. Here, Al Mudarrisa is mansub because it is the object mafool bihi. मफूल भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं, और अब मफूल भी हमेशा मंसूब होता है। Next is Hazihi Sayaratul Mudarrisi. This is the teacher's car. Here, Al Mudarrisi is majroor because it is mudaf ilay. Oh, ठीक हो गया, teacher's car, so mudaf ilay. Now, these endings, Dhamma, Fatha, and Kasra, are called the primary endings. Alamatul Irabil Asliyat. या जो प्राइमरी एंडिंग को अभी हम कहते हैं अलामतुल इराबिल असलिया, रियल एंडिंग, तो प्राइमरी These, एंडिंग। okay. There are other endings also which are called the secondary endings. Alamatul Irabil पढ़िया Iyariya. The following groups of nouns have these endings. They are sound feminine plural. Jama Muannas Salim. Only the nasab ending is group. It takes kasra instead of fatha. Example, salatil mudiratul mudarrasat. The headmistress asked the female teachers. Mudarrisat. Here al mudarrisati takes kasra instead of fatha because it is sound feminine plural. Note that in this group the nasab ending is the same as the jar ending. Example, Raitul Sayarati. I saw the cars. Raitu Sayarati. I saw the cars here. A Sayarati is Mansub because it is the object. Okay. But you are writing it as jar because it's jama feminine plural. So oh, it's plural. Okay. Jama feminine salim. Okay. Jama muannas salim. Kharajan nasu minas sayarati. The people came out of the cars. Okay. Here sayarati is majroor because it is preceded by preposition. जब हमने सीखा उसको तो आगे लेते हैं। ये हमने सीखा था पहले कि तीन इराबी हालतें फत्ता, कसरा, दम्मा, इनको हमने कहा अलामात और इराबुल असलिया, जिसके साथ फतह होगा हम उसको मंसूब, जिसके साथ दम्मा होगा उसको मरफू, और जिसके साथ कसरा होगा मजरूर, पुरानी चीज़ होगी। लेकिन अब उसने हमें क्या बताया, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ हम सेकेंडरी इराब लगाते हैं, और उनमें से उसने पहले हमें बताया जमा मोनस सालिम। ठीक है, अच्छा, जमा मुन्नस सालिम में मरफू की निशानी क्या होगी? जमा मुन्नस सालिम में
कसरा, दम्मा मरफू की निशानी दम्मा ही है, ठीक है। और मंसूब और जर की निशानी जो है वो कसरा है, ठीक है, इसमें फतह नहीं है। ओके, तो पहले हमने तीन पढ़ी थी असली वाली में, फतह कसरा दम्मा जो सिंपल सा काम था, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने कहा सिर्फ दो निशानी है, अगर लफ्ज़ मरफू होगा तो उसके आखिर में दम्मा होगी, अगर लफ्ज़ मंसूब या मजरूर होगा तो वो कसरा होगी। ये कौन सा है जमा मोनस सालिम जिसके आखिर में अलिफ ता हो, ऐसी मोनस जमा जो भी हो जिसके आखिर में अलिफ ता हो उसको हम जमा मोनस सालिम कहते हैं। अगर इसके साथ हम लिखेंगे कसरा तो इसका मतलब है लफ्ज़ या तो मंसूब है या मजरूर है, अगर दम्मा है तो फिर ये मरफू हो, ठीक है। इसमें से दो इराम, ये चीज़ हमने इस पॉइंट में सीखी है, उसने बताई है। आगे ममनू मिन सर्फ का भी ये सिस्टम है, थोड़ा तो सा मिलता जुलता पढ़ रहे क्या लिखा हुआ है। So, ممنوع من الصرف it is the diptote. In this group, the jar ending is fatha instead of kasra. So, here it's the opposite. For example, هذا كتاب زينب. هذا كتاب زينب. So, this is Zainab's book. Here, زينب has a fatha instead of a kasra because it is ممنوع من الصرف. Note that in this group, the jar ending is the same as the nasab ending. For example, سألتُ زينبا, I asked زينب. Here, زينبا is mansub because it is مفعولٌ به. Okay, so مفعول به should have been it should have been kasra. लेकिन ये यहाँ पे फतह है. مفعول به पे वैसे भी फतह ही होती है. वैसे भी फतह. यहाँ पे भी फतह है. ये इसमें कोई चीज़ नहीं डिफरेंट नहीं है वैसे नो कसरा. हाँ मुजाफिले में ये होता है कि वैसे कसरा होती है और यहाँ पे फतह है, ये नई चीज़ है, और मफूल भी हमेशा उसके साथ फतह ही होती है। इसी तरह मजरूर के साथ कसरा होती है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया फतह हुआ, दो नई चीज़ें एक पुरानी चीज़। जो है नेक्स्ट इज ओके ذهبت الى زينب سو اي ونت تو زينب هير زينب از مجرور بیکاز اٹ از پریسیڈڈ بائی ا پوزیشن اوکے مجرور کے ساتھ کسرہ ہوتی ہے یہاں پہ ممنوع من صرف ہے اس لیے فتح ہے نیکسٹ دی فائیو ناؤنز وچ ار اسماء خمسة إذا أبون أخون حمون ثمون ذو so these nouns take the secondary endings only when they are مضاف and the مضاف إليه is not the pronoun of the first person singular so let's see so these take the secondary endings only when they are مضاف and the mudafila is not the pronoun of the first person singular. So in this group, the rafa ending is waw, the nasab ending is alif, and the jar ending is ya. Ya, for example. चीज़ एक और देखें, पहले हमने फतह कसर दमा पढ़ा था इराबी हालत के लिए, अब हम अरकात के बजाय ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वाओ अलिफ और या, ठीक है। ओके मरफू लफ्ज़ होगा तो हम वाओ लगा देंगे, मंसूब होगा तो अलिफ लगा देंगे, और मजरूर होगा तो या लगा देंगे, और ये तब लगाएंगे जब ये जो पांच अल्फाज हैं कौन से अल्फाज, ये पांच अल्फाज मुजाफ होंगे, अगर मुजाफ नहीं होंगे तो इनके साथ हमने वाओ अलिफ या नहीं लगाना, बल्कि वही सेम पुरानी चीज़ दम्मा कसरा फतह लगानी है, ठीक है। ओके समझ आ गया तो रिपीट करें मुझे बताएं क्या बताया मैंने। एक तो जो है अगर अगर ये अल्फाज है अबुन नखुन हमुन फमुन जू और जो है ये अगर ये मुजाफ हो फिर क्या करेंगे हम,
अगर ये मुजाफ हो तो जो आप जो अगर वो मरफू हो तो लास्ट में आप वाव लगाएंगे, अगर जी मंसूब हो तो अलिफ लगाएंगे, और जो अगर मजरूर हो तो या लगाएंगे। तो ठीक है, और अगर मुजाफ ना हो, सिंपल आम हालात में हो फिर? जो फिर आप जो है वही जो रेगुलर दम्मा कसरा, दम्मा फतह और कसरा लगाएंगे। ठीक हो गया, बस ये पॉइंट है इसमें, पढ़े फिर। एक और पॉइंट है कि ये जो है अगर मुदाफिले इज नॉट दी प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो इसका मतलब है कि को मुखातिब को कहते हैं अपने लिए, वो खैर अभी हम एक्सरसाइज करेंगे फिर पक्का हो जाएगा वो भी। सो माजा अबू बिलालिन, माजा काला अबू बिलालिन, जो यहाँ पे वो लगा है कि व्हाट डिड बिलाल्स फादर सेड। हियर इट इज अबू विथ अ वाव एंड नॉट जस्ट अबू। व्हाई? बिकॉज ये जो है मुजाफ है। ओके, व्हाट डिड बिलाल्स फादर से, सो बिलाल देखिए, बिलाल्स अब फाइल है, मुजाफ भी है, तो इसलिए हमने वो लगा दिया। फाइल मरफू होता है इसलिए हमने वो लगा दिया। मुजाफ, मुजाफिले यहाँ पे कौन है फिर? मुजाफिले बिलाल है। मुजाफिले बिलाल, मुजाफिले क्या है एक्चुअली? इट इज ऑब्जेक्ट। हाँ नहीं, मुजाफ अलैह का मैंने सिंपल अल्फाज में ये बताया था, पोसेसर मालिक, और मुजाफ जो मलकियत में हो। अब यहाँ पे क्या है, बिलाल के अबू एक किस्म का, उससे रिलेटेड हो जाता है, उसकी मलकियत में आ जाती है। तो जो मुजाफ जो है जो उसके अंदर आ गया, और इट्स पोजेसर, और जो वो जो पर्सन इज पोजेस। जैसे मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी, एक और मलकियत के साथ से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरी गाड़ी, इसमें क्या है, गाड़ी जो है, गाड़ी मालिक हो में। गई मुजाफ हो गई, और जो है मालिक जो है मैं जो है मुजाफ ले हो गया। ठीक, ठीक हो गया। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, अभी हमने कहा ना बिलाल के अबू, अगर हम कह दें उसके अबू का नाम लेके कह दें कि अहमद का बेटा बिलाल, तो उसमें अहमद मुजाफ ले हो जाएगा और बेटा बिलाल मुजाफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आरिफ, और आरिफ इस ठीक है, अबा बिलाल, आई नो बिलाल्स फादर। नोट हियर द अबा विद अन अलिफ, नॉट जस्ट अबा। तो मफ़ूल भी ही है इसलिए। अगला So the word should be pronounced as, which is okay. The first one, the sayyara. Okay, so I sayyarati. यहाँ पे जो sayyarati should be pronounced as, for the sake of uniformity, I write the different articles as al, regardless of whether the okay, regardless of the whether the next letter is lunar or solar. Okay. वैसे भी लिखने वक्त we have to write al, right? हम ऐसे yes. राइट, हम अल लिखते हैं लेकिन साथ शब्द लिखा लिख देते हैं ना। शायद श्रद्धा नहीं लगा इन्होंने। ओके, तो ठीक, अब यहाँ पे उसने शब्द नहीं लगाया, वो खैर आगे उसने कर दिया तो सोचा चलो कोई नहीं। अच्छा आगे, अल्हमु मींस द मेल रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड सच एज हिज ब्रदर एंड हिज फादर। इस अलहम का वैसे लफ्जी मतलब उर्दू में मेरे यहाँ से कोई भी नहीं है ना, उर्दू में ना इंग्लिश में, अरबी में ही होता सिर्फ, क्योंकि इसमें ब्रदर के लिए देवर अलग अलग होता है और फादर के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अरबी में एक ही लफ्ज़ है। अच्छा, हमू का मतलब इधर फादर इन लॉ भी हो सकता है, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता अरबी में इसका दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ है, इंग्लिश में उर्दू में डिफरेंट वर्ड। है। ओके, ज़हबतु इला अबी बिलाल, आई वेंट टू बिलाल्स फादर। तो जो है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है इला, तो जो आपने अभी कह दिया, इट्स अभी विद या, जस्ट नॉट अभी। Next, the mudafile can be a pronoun. For example, okay, well, when it is a pronoun, then you cannot use, you don't use wa, alif, ya. For example,
यूज वही ना करेंगे। साथ करेंगे। हाँ जी, उसने कहा एक मुजाफिले प्रोनाउन भी हो सकता है, ओके जरूरी है कि ओके कोई प्रॉपर इसम हो, प्रोनाउन भी हम लगा सकते हैं उसकी जगह। अगर आप पीछे को पॉइंट चले जाए सी का पीछे वो पॉइंट ये था पे। कि ये जो अल्फाज मुजाफ होने चाहिए, कंडीशन क्या है, ये जो पांच अल्फाज मुजाफ होने चाहिए। तो यहाँ पे ये देखेंगे पांचों, तो पांचों अल्फाज क्या है, मुजाफ है, अख मुजाफ है, और का जिस बंदे के लिए इस्तेमाल हुआ है वो मुजाफिले है, यहाँ पे भी अख मुजाफ है और का जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो मुजाफिले है, तो मैन शर्त क्या है, ये पांच अल्फाज मुजाफ होने चाहिए। ठीक है, अभी आपके जहन में एक दूसरा पॉइंट आ रहा है, कहाँ ये दूसरा पॉइंट है, अगर मुजाफिल है फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। हाँ वो फर्स्ट पर्सन वाला पॉइंट आगे आएगा, इसमें हम इसको अच्छा देखेंगे, अभी वो फर्स्ट पर्सन वाला पॉइंट नहीं आया, बस ये हमने देखना है कि ये मुजाफ होना चाहिए। ओके तो मुजाफिल है कैन बी अ प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल ऐना ज़हबा अखू का तो अखू सो विद अ वाव वेयर डिड योर ब्रदर गो। वेयर डिड योर ब्रदर गो अखू विद अ वाव का इज दी मुदाफिल प्रोनाउन। यस करेक्ट, नेक्स्ट मा रई तू अखा का आई डिड नॉट सी योर ब्रदर सेम थिंग। सो यहाँ पे अखा का इज दी मुदाफिल प्रोनाउन एंड देन यू हैव मा मस्मू अखी का वॉट इज योर ब्रदर्स नेम। इफ ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है इफ द मुदाफिल इज द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर देन द नाउन रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल यद्रुसु अखी बिल जामियती यद्रुसु अखी अखी इज माई ब्रदर सो जे इज द सेम प्रोनाउन। हाँ तो जे दूसरे का सेकेंड पर्सन नहीं है इज द सेम पर्सन का जो है फर्स्ट पर्सन का ही जो है सिंगुलर ये फिर से मुदाफिल है वही है उसी का मेरा ही भाई है अपना ही मेरा ही मेरा मेरी कार है मेरी गाड़ी है तो जो है देन द नाउन रिमेन्स अनचेंज। और यहाँ पे जो पांच अल्फाज हैं वो पांच के पांच वही मुजाफ होंगे, लेकिन अगला चीज़ क्या होगी, वो फर्स्ट पर्सन होगी, इसलिए फिर हमने असली इराब की हालत लगानी है। ओके यद्रुसु अखी बिल जामियत। ये तो फिर ये नहनों के लिए नहीं होगा ना। नानो भी फर्स्ट पर्सन में आता है तो उसके लिए भी हम असली लगाएंगे, ओके उसमें यूँ होगा यद्रुसु अखी ना अतारिफु अखी ना खुजुल अलमाना मिन अखी ना, उसमें ये एक और रूल भी आ जाता है कि जब इस्लाम लगाते हैं कसरा फिर हम बीच में हम एक या का इजाफा करना पड़ता है फालतू, खैर वो ओके इसके भी जरूरी है। थी तो जो है हमने यहाँ पर कौन सा वाला जुमले तो जी, फर्स्ट वाला ही जुमला हम बात करें यद्रुसु अखी मिल जामिया थी तो इसमें कौन सा मजरूर जो है अच्छा या जो है ये जो या है ये मुजाफिले है मजरूर है। ओके या जो है यहाँ पे मुझे तो हम यहाँ पे कौन सी सेकेंडरी एंडिंग्स कहाँ यहाँ पर तो या यहाँ ही पे है एंडिंग नहीं है, ये तो पॉइंट है, पहले हमने क्या राइट चीज़, right. तो कौन सा अगर अगर फर्स्ट करें सेकंड ट्रेनिंग कहाँ होती अगर होती तो अगर अगर ये अखी ना होता अखू का होता तो ठीक है जी सुने, फिर पांच अल्फाज, पहले कौन सी पहली शर्त है, पांच अल्फाज इनमें से एक लाग जाना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि वो मुजाफ होना चाहिए, ठीक है, दो कंडीशन पूरी होगी, और तीसरी कंडीशन ये है कि जो मुजाफिले है वो सेकंड या थर्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है देखें इस पहली में हम देखें
बिलाल जो था वो थर्ड पर्सन मुजाफ इलेह था, और अब जो था इन पांच में से था और मुजाफ भी था, तीनों कंडीशन पूरी होगी, इसलिए हमने सेकेंडरी इराबी हालत गई अलिफ वाव या वाली। ओके ओके अब अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें अखू का जो का भी जो आता है सेकेंडरी और थर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में आता है, तो ये भी शायद भी पूरी हो गई। अख वो अख भी पांच अल्फाज में से एक है और मुजाब भी है, तीनों कंडीशन पूरी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंडरी इराबी हालत गई वाव या। अब यहाँ पे देखें पहली कंडीशन के वो पांच अल्फाज में से एक लफ्ज़ होना चाहिए, आख उन्हीं में से एक है, पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन है कि मुजाफ होना चाहिए, वो भी पूरी होगी। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या थी, पर्सन या तो सेकेंड होना चाहिए या थर्ड होना चाहिए, वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो इसलिए हमने असली इराबी हालत, असली इराबी हालत कौन सी थी, फतह कसरा दम्मा, तो यहाँ पे हमने फतह कसरा दम्मा लगानी है। ठीक है अच्छा अच्छा जी, लगानी है लेकिन लगाई नहीं है, उसकी रीज़न भी आप देख लें। यद्रुसु अखी, अख क्या है मुजाफ है, और मुजाफ के साथ आपने पढ़ा हुआ है कि दम्मा लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइल भी है, फाइल के साथ भी हम दम्मा लगाते हैं, लेकिन हमने कसरा इसलिए लगाया फर्स्ट पर्सन की वजह से। फर्स्ट पर्सन जो या होता है ये अपने लफ्ज़ के साथ बेशक कोई भी हो, मुजाफ हो या कुछ भी हो, उसके साथ कसरा लगाता है, दम्मा को अगर हम लगाएंगे हुई लफ्ज़ उल्टा हो जाएगा, पढ़ने में मुश्किल होगी, तो इसलिए हमने दम्मा नहीं लगाई। अगर हाँ मजरूर भी हो या मंसूब भी हो या फिर जो है हाँ मरफू भी हो तो भी जो है, क्योंकि या अखी मेरा भाई आपको बताना पड़ता है तो जो या बिल्कुल, ही आएगा हर चीज की। अगर हम ओके इसकी असली आदत जो यहाँ पे लगानी चाहिए दम्मा वो लगाएंगे तो लफ्ज़ मुश्किल हो जाएगा, तो आसानी के लिए हमने कसर लगाई। इसी तरह यहाँ पे अब आँख के ऊपर फतह आना चाहिए असल में जो कानून के मुताबिक, लेकिन आखाई काम करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमने या किस वजह से जो या का रूल है कि अगले लफ्ज़ को ये कसरा देता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कसरा लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे में वैसे भी आख के साथ कसर ही आता है मिन की वजह से, तो इसलिए हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, आखिरी असली हालत में आ गया, लेकिन इन दो में ओके हमने चेंज किया खुद से। ओके यद्रुसु अखी बिल जामियती माय ब्रदर इज स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी अतारिफु अखी डू यू नो माय ब्रदर खुद उनवाना मिन अखी टेक द एड्रेस फ्रॉम माय ब्रदर। ओके सो द नेक्स्ट वन द वर्ड फमुन इट कैन बी यूज्ड इन टू वेज सो विद द मीम and without the meme. When it is used with the meme, it is declined with the primary endings. इनकी असली है रबी हालत फतह कसर दमा। Okay. Yeah. अच्छा तो without it. Okay. So it can be used in two ways with the meme, without the meme. When it is used with the meme, it is declined with the primary endings. For example, famuka Nazifun, your mouth is clean. Aftah famaka, okay. So yahan pe famaka, famuka, famaka, aur je famika. Okay, madha famika. Okay. Yahan pe jo aap wow alif aur ye nahi laga rahe na? यानी कि उसने क्या बताया, जब मीम होगा फम के साथ तो हमने असली पता कसर दम्मा लगाने, जब मीम नहीं होगा तो हमने सेकेंडरी जो है वो अलिफ। अच्छा, सो मीम, सो यू डोंट ऐड नो वाव अलिफ, या ओके, यू जस्ट यूज दम्मा फता। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, ये ना याद करने की कोशिश ना करने से, और ये याद हो ऐसा नहीं होता। नहीं आई थिंक हाँ मुझे सिर्फ इसके लिए ताकि आगे समझने के लिए। ओके इफ द मीम इज ड्रॉप्ड इट इज डिक्लाइन लाइक द फाइव नाउन अस्माउल खमसा फॉर एग्जांपल सो देयर इज नो मीम फमू फमुका देन यूज फूका صغير your mouth is small افتح فاك open your mouth ماذا في فيك
हमारा फी फाइव का सी का फी का फी का फी का व्हाट इज इन योर माउथ फी का ठीक सो द फाइव नाउन्स आर डिक्लाइंड विद द स्पेशल सेकेंडरी एंडिंग्स ओनली इफ दे आर इन द मुज़ाफ एज वी हैव सीन otherwise they decline with the primary endings for example huwa or hun so this is not mudaf it's just he's a brother so then you just use no there's no waw ya and alif okay since it's not mudaf take next jo hai aina al akhu where is my brother that is the brother of Aina Lahu. Ra'aytu akhan, I saw a brother. Sa'altu al-akha, I asked the brother. Jab nahi honge to masli hal karenge bas ye point hai. Haza baytu akhi. This is the house of a brother. Hadhihi sayyaratul akhi. Hadha baytu akhin hoga na? Hadha baytu akhi nahi likha hua hai. Akhin, acha. Hadhihi sayyaratul akhi. This is the brother's car. Okay. यहाँ पे हम जरा रुकते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे ठीक है चलो इंशाल्लाह कोई सवाल है तो पूछ लें नहीं चलो ठीक है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू